श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और हे मानव, मैं तुझसे कह रहा हूं कि संसार तेरी कर्म भूमि है और तू अपने कर्मों ही के मानदंड से नापा जाएगा। इसलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। किंतु यदि तेरा कर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो कर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपने से मुक्त होकर समाज के कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। दूसरे सारे कर्म तो मोह, माया और क्रोध के बंदी हैं, और जो स्वयं ही बंदी हैं, वे तुझे मोक्ष के मार्ग पर क्या ले जाएंगे। यदि समाज सुखी नहीं तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। यदि समाज की आंखों में आंसू हैं, तो समझ ले कि तेरी आंखें भी सूखी नहीं रह सकती। यदि वृक्ष कट जाएंगे तो तुझे फल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि फल देना और छाया देना तो वृक्ष का कर्म है। तू समाज का एक भाग है, अपने को भाग समझ, स्वामी न समझ, इसी में तेरा कल्याण है और ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और जिसे ये ज्ञान है उसका जीवन ही यज्ञ है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से। और आप भी, हम हैं कुरुक्षेत्र की नगरी में। तो आप सोचेंगे मैं कहाँ आ रखा हूँ, कहाँ रखा हूँ भाई, मैं कहाँ रखा हूँ, मैं आ रखा हूँ ब्रह्मा सरोवर। कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहाँ पानी ही पानी है भाई, और पानी इसका इतना प्यारा पानी है ना कि आप देख सकते हो कि कितना स्टेबल और कितना साफ सुथरा पानी है। तो अभी हमने थोड़ा प्लान चेंज करा नहाने का, ब्रह्मा सरोवर में हम आ रखे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं उस साइड पे। तो मैं पूरा तैयार था, अपने वस्त्र उतार के नहाने की तैयारी थी, बट ये महाराज हमारे डरपोक, इन्होंने कहा कि उस साइड काई ज़्यादा है, मैं तो नहीं नहाने वाला। तो अभी जहाँ पब्लिक थोड़ी सी नहा रही है, तो वहाँ पर अच्छी अच्छी सीनरी भी है, तो हम चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ नहाएंगे। तो वहाँ पर तो सही लग रहा है, उधर ही जा रहा हूँ मैं, चलते हैं। आपको ब्रिज दिखाते हैं, बढ़िया वाला। अभी काफ़ी टाइम हो गया हम यहाँ पे नहाते हुए, मतलब दो ढाई घंटे हो गया हम यहाँ पे नहा रहे थे, और हमारा गला भी बैठ गया पानी से। ये देखो, ये अपना जो परना होता है उसको सुखा रहे हैं, है ना। तो हम जा रहे हैं अभी सामने, और सामने आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ये अर्जुन और कृष्ण जी की जो रथ बना रखा है वो दिखाएंगे हम आपको। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नज़ारा है। ये अर्जुन के चार घोड़े, साथ में कृष्ण जी और अर्जुन बैठे हैं, और ऊपर देखिए बजरंग बली भी बैठे हैं। अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो बजरंग बली भी बैठे ऊपर। हाँ, आपको अभी वहाँ दिखाते हैं। और कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो जो ये कुरुक्षेत्र की धरती है ना, यहाँ पे इतनी लाशें थी कि उन लाशों को गंगा में नहीं बहा जा सकता था।
तो कृष्ण जी के कहने पे गंगा कुरुक्षेत्र की जमीन में आ गई, मतलब पूरी गंगा ही यहाँ आ गई। और कहते हैं कि यहाँ पे अभी भी कोई इंसान अगर मरता है तो उसकी अस्थियाँ गंगा में नहीं डालते, क्योंकि ये धरती इतनी पवित्र है कि उसको यहीं आसपास ही किसी नॉर्मल नदी में यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो कहने में तो महाभारत का ये जो युद्ध हुआ था ये बहुत सी चीज़ें हमें सिखाता है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये विराट रथ जो बना रखा है ये इसी की पहचान है। और ये जो धरती है अभी जहाँ हम खड़े कुरुक्षेत्र की, इसमें जब पैर रखता है इंसान तो एक ऐसा मतलब जोश अपने शरीर में डालता है कि मतलब। तो आप ये आकृतियाँ देखिए जो यहाँ बनाई गई है ब्रह्म सरोवर में, कछुआ है यहाँ पे, कलश, ये मैं समझ नहीं पाया क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे भी आप एक फवारा और एक कलश देख सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे, हाँ ये ऊपर की साइड पे शंख है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे धनुष देख सकते हैं आप। ये मैं समझ नहीं पाया, आधी एक रत्ती टूटी पड़ी है। तो ये पत्थरों से ही काट के यहाँ पे दृश्य बनाया गया है, ये एक सजावट टाइप का कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन चेहरे से है, यहाँ पे मुंह, ये अमर जवान वाली बंदूक यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद एक समर यहाँ पे गिर चुकी है, और यहाँ पे भी वही अमर जवान वाली इस टाइप का कुछ लगा रखा है। हाँ ये शंख और भाला यहाँ पे, और ये भी शंख है यहाँ पे पूरा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक पूरी आकृति बना रखी है, मतलब काफी आकृतियां यहाँ पे है देखने को मिल गई। ये देखिए कितना लंबा पोल है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने स्थान से, अब अपने घर की तरफ हम निकल रहे हैं। तो काफी हमने फोटोशूट्स करे यहाँ पे, और काफी अच्छा व्यू है चारों साइड से, सनसेट हो रहा है देखिए वहाँ पे। और यहाँ पे ये दो यहाँ जा रहे हैं, और अभी हम कुछ खाएंगे और उसके बाद सीधा दिल्ली की तरफ निकलेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आज हमने पूरा दिन मजे से बिताया। तो ब्रह्म सरोवर का हमारा सफ़र आज का ख़त्म हो गया, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनी। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों भूखे खाने में लगे पड़े हैं, भेल पूरी खा रहे हैं, एक येरा और एक येरा और एक येरा, तीनों के तीनों लग रही है बहुत। तो भाई कैसा लगा ब्रह्म सरोवर में आके, जरूर बताना। वो तो पता तभी चलेगा जब कमेंट करो। तुम्हें कैसा लगा? वो तो मैं नूनी की बोल रहा हूँ, मैं तुम अपनी बताओ ना। मुझे तो मैं जहाँ जाता हूँ वो अच्छा ही रहता है। वो वो हमारे सब्सक्राइबर बताएंगे ना कैसे लगे, वो कैसा लगा। अरे बंदे कह रहे बढ़िया लगता है, तेरे को बढ़िया लगा ब्रह्म सरोवर में रह के? अरे बड़े शर्मा करा भाई, तुम बनाओ यार, तुम बनाओ, तुम बनाओ, बनाओ तुम कलाकारी दिखाओ यार तुम अपनी। चलते गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में कहीं और नए सफर में, कोई ऐसे प्राचीन मंदिरों में हम जाएंगे जहां आपको सफर कराएंगे। थैंक यू फॉर गाइस वाचिंग मिस्टर ब्लैक प्रोडक्शन। बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बाय तो कर दो, बाय। मेरा ध्यान रखना, खाने में ध्यान रखना। चलो मिलते हैं, बाय।